एक कमेंट में शंभुनाथ जी का लेना चाहती हूँ। शंभुनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज उनके द्वारा बातें कही गई हैं, क्या वो एम फैक्टर को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसे स्पष्टीकरण माना जाए, इसे क्या माना जाए? देखिए इतनी, योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी मजेदार बात कह दी। उन्होंने कहा कि आजम खां की रिहाई से सबसे ज्यादा परेशानी अखिलेश यादव को होगी, तो अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं, तो वो सारा जो ध्रुवीकरण की कोशिश थी वो तो एक तरफ रख दीजिए, ये ज़्यादा बड़ा हमला है। इससे ये एक मैसेज चला गया कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा, ये हम पूरे दौरान जब उनको गिरफ्तार किया गया था तब से अब तक देख रहे हैं कि शायद एक ही बार मिले हैं अखिलेश जी आजम खान साहब से, जबकि मिले नहीं, सिर्फ ट्विटर पे ही विरोध जताते रहे। तो वो जो उनका 2012 से उनका उनके बीच रिश्ते बहुत सामान्य नहीं रहे, क्योंकि आजम खान को लगता था कि वो नेताजी के दोस्त हैं, मुलायम सिंह जी के दोस्त हैं, और अखिलेश तो हमारे सामने बच्चे हैं। लेकिन अखिलेश भी जब मुख्यमंत्री हुए तो उनकी अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, तो दोनों के टकराव होते रहे। तो आज इस टकराव पे कहीं ना कहीं बड़ी चतुराई से योगी आदित्यनाथ ने हमला कर दिया है, और इसका मैसेज बहुत चला जाएगा आज, क्योंकि आज उन्हीं सीटों पर चुनाव है जहां मुस्लिम ज्यादा हैं। दूसरे ये भी सोचिए कि हम मुस्लिम तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज उन सीटों पर भी चुनाव है जहां कुर्मी बहुत ज्यादा हैं, पीलीभीत तो वगैरह सब ये हैं, जहां कुर्मी बहुत हैं, और कुर्मी ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का। वो जैसे ओबीसी में यादव तो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन कुर्मी परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ कुर्मी है, बल्कि लोध तो एक बार विरोध कर चुके हैं भाई कल्याण सिंह ने जब पार्टी छोड़ी थी, लेकिन कुर्मियों ने कभी विरोध नहीं किया। तो ये बड़े मजेदार तरीके से देखना पड़ेगा कि आज जो ये मैसेज दे दिया कि एक तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे, तो इससे इसका मैसेज कहां जाता है, किन किन खासतौर पर मुस्लिम में कितना जाता है, दूसरे ओबीसी समुदाय में कितना जाता है, ये बड़ा मजेदार हुआ है। और बाकी गजवाए हिंद या 80-20, उन्होंने कहा 80 वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं, 20 वो लोग हैं जो विकास नहीं चाहते, ये कह के भी उन्होंने मुस्लिम से हमला कर दिया है। क्योंकि आम तौर पे मोटे मोटे तौर पे धारणा ये है कि 80 का मतलब है हिंदू समुदाय, 20 का मतलब है मुस्लिम समुदाय। अभी तक हमने देखा भी और विपक्ष ने यही आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर कि पोलराइजेशन की शुरुआत ही उन्होंने की जब उन्होंने कहा 80 versus 20। लेकिन आज जिस तरह से यूपी के सीएम आए और उन्होंने एक तरीके से क्लैरिटी दी कि जब वो 80 की बात करते हैं तो वो विकास की बात करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जिस तरह से तंज किया उन्होंने अखिलेश यादव पर आजम खान को लेकर, उसके द्वारा भी किस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए। देखिए वोट सेल्फी आप लगातार जी न्यूज की स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो आपकी सेल्फी भी यहां पर हो सकती है। नंबर आपके स्क्रीन पर है 9643333111 पर, 9643333 दोहराते हुए 111, ये वो नंबर, इस पर आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। #electiononzee का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।